हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन डिफेंस स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में होने वाली इंडियन आर्मी की ओपन भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा ताकि आपको इस होने वाली भर्ती की सारी जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, उस तरह की आर्मी अपडेट्स आगे भी पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले इसमें बता दूँ आपको, ये भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी ARO श्रीनगर के द्वारा। रैली होगी, यानी कि आपका जो फिज़िकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वो कंडक्ट किया जाएगा आर्मी हेलीपैड ग्राउंड कारगिल में। रैली आपकी शुरू होगी, यानी कि भर्ती आपकी शुरू होगी 26 जून 2020 से और चलेगी 30 जून 2020 तक। तो 26 जून 2020 से ये भर्ती शुरू होगी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए। अब इसके लिए कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो हैं हिस्सा ले सकती हैं, तो इसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं यहाँ के कैंडिडेट हिस्सा ले सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेह और डिस्ट्रिक्ट कारगिल, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कैंडिडेट इस भर्ती में हिस्सा लेना चाहते हैं वो इस भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। और इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना इसका ज़रूरी रहेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भर सकते हैं joinindianarmy.nic.in पे जाके। और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना ओपन होंगे 27 अप्रैल 2020 से और लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 10 जून 2020। और ये फॉर्म भरना कंपलसरी रहेगा, इसके बिना आपको एंट्री गेट में नहीं दी जाएगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना ऑनलाइन जो है वो ज़रूरी रहेगा। अब बात करते हैं आपके एडमिट कार्ड आपको कब इशू किए जाएंगे। तो एडमिट कार्ड जो इशू किए जाएंगे आपको वो जून 2020 में ही आपको इशू किए जाएंगे। तो जो भी आपने अपना ईमेल रजिस्टर किया होगा ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए, उस ईमेल पे आपको जून 2020 में आपके एडमिट कार्ड रैली के 10 दिन पहले जो हैं भेज दिए जाएंगे, या फिर रैली यानी कि 26 जून 2020 से 10 दिन पहले यानी कि 15 या 16 जून 2020 के करीब आप अपने एडमिट कार्ड इंडियन आर्मी की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से ट्रेड के लिए आप भर्ती देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए। तो GD के लिए आपकी एज होनी चाहिए 17.5 से 21 साल, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में होनी चाहिए। हाइट आपकी होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, वेट 50 kg और चेस्ट 77 सेंटीमीटर। एजुकेशन की बात करें तो आप 10th पास होने चाहिए टोटल 45% मार्क्स के साथ और हर एक सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। नेक्स्ट आपका ट्रेड रहेगा टेक्निकल ट्रेड, जिसके लिए आपकी एज 17.5 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। हाइट आपकी सेम 157 सेंटीमीटर, वेट 50 kg और 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। 10+2 इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए। टोटल परसेंटेज 50 और हर एक सब्जेक्ट में 40% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट है नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी। तो डेट ऑफ बर्थ और हाइट, वेट, चेस्ट बाकी जो मैंने आपको बताया उसकी तरह ही सेम रहेगा। एजुकेशन की बात करें तो 10+2 आप पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ, या फिर 10+2 आप पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश के साथ। टोटल परसेंटेज 10+2 में 50 होनी चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 40%। नेक्स्ट आपका ट्रेड रहेगा क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसके लिए भी डेट ऑफ बर्थ और हाइट, वेट, चेस्ट क्राइटेरिया जैसा पहले बताया सेम रहेगा। 10+2 पास होने चाहिए आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस में टोटल 60% मार्क्स के साथ और हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ। आपने जो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा हो क्लास 12th में उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और मैथ्स या फिर अकाउंट्स या फिर बुक कीपिंग, इन तीन में से कोई एक सब्जेक्ट क्लास 12th में पढ़ा होना चाहिए और उसमें भी आपके 50% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। नेक्स्ट ट्रेड है आपका ट्रेडमैन, जिसके लिए अगर आप 10th पास हैं तब भी एलिजिबल हैं और अगर आप 8th पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हैं डिफरेंट ट्रेड्स जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती में। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जिस दिन आपकी भर्ती होगी उस दिन लेके आने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी मैं बताऊंगा। अगर आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेके आते हैं तो आपको भर्ती में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा उसकी ओरिजिनल और साथ में 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज जो है आपको लेके आनी होंगी। तो इसमें आपको अपना एडमिट कार्ड, अपने फ़ोटोग्राफ की 20 कॉपीज़, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके जितने भी है वो सारे लेके आने हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जो कि साइन किया हो गया हो तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा और उसके ऊपर आपका फ़ोटोग्राफ जो है लगा होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट,
जो रिलेशन कैंडिडेट हैं जिनके फादर या फिर ब्रदर इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, उनके पास रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर वो इसका बेनिफिट यहाँ पे लेना चाहते हैं। एनसीसी वाले एनसीसी सर्टिफिकेट लेके आएंगे, स्पोर्ट्स जिनका है वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेके आ सकते हैं, और एफिडेविट लेके आना है सभी कैंडिडेट्स को जितने भी भर्ती देखने आएंगे, जो आपको बनवा के लाना है 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे। और किस फॉर्मेट का आपको ये एफिडेविट बनवाना होगा उसका फॉर्मेट आपको अपेंडिक्स बी में मिल जाएगा इस नोटिफिकेशन के, और इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं joinindianarmy.nic.in पे जाके। तो ये एफिडेविट लाना कंपलसरी रहेगा जिसको आपने अटेस्ट करवाना है नोटरी से, और इसके साथ साथ आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है वो लेके आना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको लाना कंपलसरी रहेगा इस भर्ती के लिए। और जो भी अगर आपके कोई डाउट हो इस भर्ती के रिगार्डिंग, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो इस फॉर्म को फिलअप करने में, या कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो इन ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। ये इंडियन आर्मी के नंबर हैं, यानी कि ARO श्रीनगर के ये ऑफिशियल नंबर हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप कोई भी जानकारी जो है इस भर्ती के रिगार्डिंग ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इन्हीं नंबर में से कोई एक नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। जैसा गाइस आज के इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस तरह के वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं, आगे भी आप चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे आर्मी भर्ती की या कोई भी डिफेंस जॉब्स की, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।